हाँ जी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HSSC की तरफ से गुड न्यूज़ आई है। HSSC ने एक फैसला लिया है जिससे सभी युवकों को, सभी कैंडिडेट को फ़ायदा होगा। क्या फैसला लिया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करेगा। और दोस्तों, CET का एग्ज़ाम आपका 5 और 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसका ऑफिशियल नोटिस आपको बहुत जल्द मिल सकता है। उसके लिए हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, अभी 4-5 दिन ही हुए हैं। वेटिकन की टीम के द्वारा कोर्स KTDT ऐप पर स्टार्ट किया गया है। इसकी फ़ीस नॉर्मल 999 है और अभी 799 इसकी फ़ीस चल रही थी, लेकिन दोस्तों कल भगत सिंह की याद में हमने इस कोर्स को 499 का किया था और उसमें लेट हो गए थे थोड़े से, तो आज के लिए ये कोर्स आपको 499 का मिलेगा, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, ठीक है। तो KTDT ऐप पे जाओ और अपना फटाफट से डेमो देखो और ज्वाइन कर लो। और दोस्तों, यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी आपको लगता है कि आपको बुक परचेज करनी है, तो अपनी वेबसाइट है whichbookisbest.com, जहां से आप कोई भी बुक है वो ऑर्डर कर सकते हैं। यहां पे अनेक प्रकार की जो बुक है आपको मिल जाएगी। हरियाणा GK के लेनी है, टेस्ट सीरीज के लेनी है, कोई भी बुक आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, मार्केट से कम रेट में या मिनिमम 20-30% डिस्काउंट में आपके घर पर बुक पहुंच जाएगी। एक्स्ट्रा कुरियर चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है। यदि आपका दिल करे तो आप अपनी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, whichbookisbest.com पे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अब देखते हैं HSSC ने क्या फैसला लिया है जिससे फ़ायदा होने वाला है। तो आप लोग वीडियो देख रहे हो इस टाइम पे, तो मुझे ये बताओ, आपने HSSC के कितने एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तक आपका फाइनल सिलेक्शन कितनों में हुआ है, ठीक है। अब मेरी सबसे जाहिर सी बात होगी कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए होंगे और आप बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम में होंगे जिनमें आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और आपके मन में डाउट आया होगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं तो एलिजिबल था, मैं तो ये सही करके आया था, मेरे तो ये डॉक्यूमेंट भी सही थे, मेरा तो एक्सपीरियंस भी वैलिड था, मेरे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर सही थे, ऐड किए होंगे या नहीं किए होंगे। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जो अनसेलेक्टेड कैंडिडेट है वो सवाल उनके मन में बढ़ते थे। अब HSSC ने यह फैसला लिया है कि 48 घंटे में जारी होगा भर्ती का विस्तृत परिणाम। HSSC का फैसला, चयनित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को बताया जाएगा कारण। कई माह और कई साल तक करना पड़ता था इंतज़ार। फिलहाल हरियाणा में भर्तियों के विस्तृत परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, RTI लगानी पड़ती है या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। आयोग कई माह और साल तक भर्तियों के विस्तृत परिणाम जारी नहीं करता। उदाहरण के तौर पर हैवी व्हीकल ड्राइवर की भर्ती का परिणाम मार्च 2018 में परिणाम जारी किया, जबकि इस भर्ती का विस्तृत परिणाम 2021 में जारी किया गया। कई भर्तियों के विस्तृत परिणाम संबंधी मामले हाईकोर्ट में लंबित है। तो दोस्तों, बहुत सारी RTI लगती थी कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरे तो नंबर बढ़ते थे। तो HSSC क्या करता है, जो नॉर्मल डिटेल रिजल्ट है सिलेक्टेड का वो तो साथ में ही बता देता है या कुछ दिन बाद बता देता है, लेकिन अब अनसेलेक्टेड को जो कारण है वो भी आपका 48 घंटे के अंदर बता दिया जाएगा, ठीक है।
अभ्यर्थियों की संतुष्टि अदालतों में बढ़ते केसों से बचने के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने यह फैसला लिया है। अभी चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के अंक, सामाजिक आर्थिक आधार के अंक आदि की जानकारी दी जाती है, लेकिन फेल अभ्यर्थियों को यह जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आगे नोट एलिजिबल या फेल लिखा जाता है। अब अंतिम परिणाम जारी होने के 48 घंटे में उनके सूची से बाहर होने का कारण पता चल जाएगा। अंकों समेत कट ऑफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इसकी पुष्टि की है। और यहाँ पे देखिए, वेटिंग वालों को भी फायदा होगा। हर भर्ती में चयनित सूची के साथ साथ प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है। परिणाम जारी होने के एक साल तक अगर चयनित सूची में से नियुक्ति नहीं लेता है तो कागजों में कमी पाई जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो वेटिंग वालों को नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये अच्छा स्टेप है यदि HSSC इसको रियली धरातल पर करता है तो, ठीक है। तो ये फैसला मुझे अच्छा लगता है। आपकी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।